जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है कि यह मंत्र आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ और चाहे जैसे भी जीवन चल रहा हो, हर जगह आपको एक रास्ता जरूर दिखलाएगा यह मंत्र। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप देखिए कमेंट्स में आप लिखें अपनी जो भी ईश्वर में, जो भी भगवान देवी देवता में आप यकीन रखते हैं, जैसे मैं महाकाल में रखता हूँ वैसे आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम आप कमेंट्स में लिखेंगे। पहली बात है कि हम पूर्ण रूप से ये मंत्र जो है वो पूरा एकदम सीरियल से आप इसे समझेंगे तो आपको समझ आएगा। पूर्ण रूप से मन में एक इंच मात्र भी हमारी श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यहीं से शुरू होती कि जब हमारे पे कुछ थोड़ा सा खराब चीज हुई या कुछ भी गलत चीज़ें हुई, जो हमें गलत होती सही है क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हमें वो गलत लगती है। और वो गलत चीज़ें जिसे हमें लगता है कि ये गलत, तो हम सबसे पहले ईश्वर को टारगेट होता है, वहाँ हमारी श्रद्धा जो है, जो पूर्ण यकीन है उसमें कमी आ जाती है कि भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो पहला मंत्र है जो याद रखना है आपको, वो है कि आपको चाहे पल कितने भी खराब क्यों ना हो उस पर पूर्ण यकीन रखें, श्रद्धा रखें। दूसरी बात, अब होगा क्या इससे, जब आप ईश्वर पर पूर्ण यकीन और श्रद्धा रखते हैं तब आप बड़े सकारात्मक होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं, और सकारात्मकता और पॉजिटिव में आपके मन में ईश्वर ही विचार ऐसे देता है, आपको रास्ते दिखाता है जिससे आप बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से बाहर निकल जाते हैं कि बड़ी से बड़ी घटना मेरे साथ जीवन में हुई और मैंने इसी चीज़ को अपनाया, उसमें आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग पर, मस्तिष्क पर इस तरह से तनाव या पेन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। ये एक सच्ची बात अपने आप को समझा लो अच्छे से, हम केवल केवल दिमाग को शांत रखकर इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते, वो ईश्वर हमें वो विचार देता है, वो ज्ञान देता है और हमें बाहर निकाल देता है। क्योंकि होता यही है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, जब उससे बाहर निकलते हैं तब हमें, अरे हम उस समय ये भी कर सकते थे, अरे हम तो ये उस समय ये भी कर सकते हैं। तो ईश्वर पर पूर्ण यकीन और श्रद्धा से हमारा मन, मस्तिष्क सभी सकारात्मक होते हैं और सकारात्मक विचार और वो सकारात्मक शक्तियाँ जो इस पूरी प्रकृति में विराजमान, वो हमारा सपोर्ट करती हैं। अब एक और बात है जो तीसरा जो मंत्र में ये है कि हम बातें तो तमाम कर लेते हैं लेकिन क्या उन बातों को खुद पर लागू करते हैं। हम जो बातें कहते हैं, जो हमें दुनिया से अपेक्षा है कि ये इनको ऐसा करना चाहिए या इन्हें ऐसा करना चाहिए, क्या हम वो करते हैं? अगर हम वो करते हैं तभी हमें ये अपेक्षा होनी चाहिए और उन चीज़ों को करना चाहिए, अन्यथा इन बातों की कोरा विलाप है। एक बौद्धिक चिंतन विलाप है ये, इससे कर कर अपने वक्त अपना समय ज़ाया करके कोई मतलब नहीं। इसलिए जो आप दुनिया से चाहते हैं वही व्यवहार आप खुद करें, ये सही सी बात है। तो दोस्तों ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की है, आप इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं, कितनी सही है कितनी गलत है ये मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है जो मैंने आपसे साझा किए हैं। आपके लिए अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।